नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूँ और मैं हूँ डिम्पी कालरा। तो सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देख पा रहे हैं, क्योंकि आज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में हलचल रहने वाली है। प्राइमरी मार्केट का ऐतिहासिक दिन, जब बीएससी का आईपीओ एनएससी पर लिस्ट होने जा रहा है और लगातार इस पे कवरेज हम आपको सामने रखेंगे। और दूसरा, शुक्रवार का दिन है, बजट वाले हफ्ते का आखिरी दिन है, तो पोजीशन जो बजट के हिसाब से बनाई गई है वो सेटल होने के लिए सिस्टम में आएंगी, तो आप थोड़ा इस पे भी ध्यान रखें। तो आज संकेत कुछ वैसे ही है कि वॉलिडिटी प्लस प्राइमरी मार्केट की वॉलिडिटी दोनों ही, ये बात सही है। और आज आप देखिए, जब तक मार्केट गिरता नहीं है ना, आई थिंक तब तक ठीक ही है। क्योंकि देखिए, बजट के पहले भी थोड़ी हीटिंग थी मार्केट में, और अब भी जिस तरह के संकेत हैं, एटलीस्ट मार्केट इज़ नॉट गिविंग अप इट्स गेन्स, और वो अच्छी चीज़ है। आज एक अच्छी चीज़ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग होने वाली है। पहली बार कोई इक्विटी एक्सचेंज दूसरे इक्विटी एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है, दैट्स अ फर्स्ट। और इंटरेस्टिंग होगी ये लिस्टिंग। लेकिन इससे पहले संकेत इस समय जो है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी भले ही हरे निशान में थोड़ा संकेत दे रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो एशियन इंडाइसेस हैं वो ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं। हमने यूएस में भी देखा कोई खास रुझान नहीं था, और ऊपर से अगर आप डॉलर को देखें तो वो फिर से हाई पर था। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इंडियन मार्केट से जो 3-4 महीने का हाई लेवल्स उस रेंज में जहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पर अभी भी कंफर्टेबल लग रहे हैं, वल्नरेबल नहीं लग रहा है मार्केट। बिल्कुल, इस बीच एसजेक्स निफ्टी आप देखिए फिर से 10 अंक के ऊपर आ चुका है। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब ये करीब 5 अंक था, बाद में लाल निशान हुआ, अब फिर से 10 अंकों के बढ़त है। ये चाइना के जो पीएमआई के नंबर्स आए हैं उसके बाद से एशियन मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलिडिटी बढ़ी है, और कई दिनों के बाद चाइनीज मार्केट आज खुला था, उसका इम्पैक्ट भी आना बाकी था। तो इसलिए चाइनीज मार्केट पूरे एशिया मार्केट्स में उसमें प्ले करता हो, और एसजेक्स निफ्टी भी काफ़ी तक उसी के अंदर ही आपको दिख रहा है। इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, और साथ ही थोड़ी देर में डॉलर रुपये इक्वेशंस भी आपको मिल जाएगा, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे खुलता है ये आपके सामने दिखा है। और अब सिर्फ 67 रुपीज़ 37 पे, यानी कि 11 पैसे की मजबूती के साथ इस समय आज ओपनिंग हुई है। तो संकेत अच्छे हैं, थोड़ा मजबूत हुआ है रुपया डॉलर के मुकाबले, तो यहाँ पे कुछ एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। विवेक महाजन हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील जैन है, और 3 टेक्निकल एनालिस्ट किरण, ब्रिजेश और साथ ही सिमी भौमिक हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम समझ रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर आज क्या करना है। विवेक, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आज एक लिस्टिंग होने वाली है बीएससी की आईपीओ की, इसके बाद जिनको नहीं मिले शेयर, आज लिस्टिंग किसी भी लेवल पे हो, 1100 1200 1000, उसके बाद भी हमको लेना है शेयर को? देखिए, हमने पहले बात किया है कि आई मोस्टली लुक एट ग्रोथ स्टॉक्स। अनफॉर्चुनेटली जो बीएससी है वो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है ऑन द ग्रोथ फ्रंट। कैश मार्केट में उसका वॉल्यूम इज डाउन टू लेस देन 15% ऑफ द टोटल कैश मार्केट वॉल्यूम इन द मार्केट प्लेस। दे हैव लॉस्ट आउट इन द डेरिवेटिव सेगमेंट एज फार एज इक्विटीज आर कंसर्न। हमें लगता है कि दिस स्टॉक विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। देर आर मच बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट प्लेस। फ्रेश बाइंग और एक्सपोजर इन दिस स्टॉक शुड बी अवॉइडेड एट ए प्रीमियम। बिल्कुल, चलिए विवेक, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन अब सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, और सुमित ये बताएंगे कि आज वो 10 स्टॉक कौन से हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन सुमित, उससे पहले आज थोड़ा ख़ास दिन है, क्योंकि आप जिसके सुल्तान को देश भर में ढूंढ रहे हैं, सेंसेक्स का सुल्तान, वो सेंसेक्स जिस एक्सचेंज का है उसके आज लिस्टिंग होने जा रही है। जी, सही कहा मेहर, और ये हिस्टोरिकल रहेगा क्योंकि एनएससी पर आज जो बीएससी की लिस्टिंग होने जा रही है, तो अपने आप में एक ऐसा हिस्टोरिकल माइलस्टोन है जो आज होने जा रहा है, उसको ज़रूर देखा जाएगा, और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि एक अच्छी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। लेकिन आज सुबह जो 10 शेयर बताए गए हैं, उन 10 शेयरों पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में सुब्रॉस बताया, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 4 रुपये के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 180 रुपये का मेंटेन कर सकते हैं, 184 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। या आईओसी दूसरा नाम है जो कि खरीदारी करने चलने के लिए आपको बताया गया है, करीब 400 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 378 स्टॉप लॉस रखें, 382 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, आधा फीसदी की बढ़त देखने को मिली। स्ट्राइड शासन, जहाँ पे एक दवा को मंजूरी मिली है खरीदारी करने चलने की राय, यहाँ पर भी है 1150 के टारगेट्स के लिए, 1070 का एक स्टॉप लॉस एंट्री करें, 1083-84 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। सूर्य रोशनी, जहाँ पे एलईडीज को लेकर कंपनी को ऑर्डर मिला है, 198 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, 190 का स्टॉप लॉस रखें, 192 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और साथ ही साथ श्री कलास्ती पाइप, एक और नाम खरीदारी के लिए भी आपको बताया जा रहा है, करीब 322 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं,
300 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 309 रुपये, 310 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। एक्सचेंजेस किया जाए, एक्सचेंज की लिस्टिंग हो रही है, लेकिन MCX एक और नाम है जो कि खरीदारी के लिए आपको बताया गया है। 1230 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 1185 का स्टॉप लॉस, 1199 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। नेल्को डिफेंस कारोबार को अपना बेचने की योजना, कंपनी एक सेगमेंट को कंपनी बेचेगी, पर्टिकुलरली 87 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 83 का स्टॉप लॉस रखें, 83.95 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा आप खरीदारी कर सकते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स के अंदर, जहाँ पर करीब 152 रुपये का लक्ष्य रखें, 142 का स्टॉप लॉस, 146 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे हैं। ग्रेविटा में आप खरीदारी कर सकते हैं, घाटे से मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़ी है ग्रेविटा तिमाही के अंदर, आप 50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 42 का स्टॉप लॉस रखें, 45-25 का स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का शेयर का भाव है। और BF यूटिलिटीज एक और नाम है, जहाँ पर पावर स्पेस में काफ़ी हलचल भी देखी जा रही है, आप खरीदारी कर सकते हैं 400 रुपये के टारगेट्स के लिए, 375 का स्टॉप लॉस, 383 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। टॉप 10 शेयर वो है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं आज के लिए। चलिए शुक्रिया सुमित, और लिस्टिंग BSE की चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपकी तो जो यात्रा है वो जारी रहेगी, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हमारे साथ हमारे मेहमान तो मौजूद हैं, लेकिन क्विकली एक बार मार्केट खुलने से पहले चलते हैं राहुल के पास, जो कि इस समय दलाल स्ट्रीट पर मौजूद हैं, जहां पर इस कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज की। राहुल, क्विकली क्या एक्साइटमेंट है अभी, हालांकि लोग आना शुरू हो चुके होंगे वहां पर, आर दे एक्साइटेड? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त BSE के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स का आना शुरू हो गया, ट्रेडर्स का आना शुरू हो गया। हालांकि कई सारे लोग हैं जो स्टाफ हैं बोलना नहीं चाहते हैं, कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट इस बात का है कि बजट पॉजिटिव रहा है, उसके बाद BSE का जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस पर भरोसा ज़्यादा है। यहाँ पर कई ट्रेडर्स ऐसे भी मान रहे हैं कि जैसे कि लिस्टिंग यहाँ पर प्रोसेस पूरी होगी तो हो सकता है शेयर्स की कीमत 1100 या 1200 के रेंज में भी पहुँच जाए। बिल्कुल, चलिए आप नज़र रखिएगा, आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन इस बीच संकेत जिस तरह के हैं ब्रिजेश, आज जो संकेत हैं वो थोड़े माइल्डली पॉजिटिव हैं। SGX निफ्टी हालांकि था हरे निशान में, लेकिन आज के लिए पिक्स क्या हैं आपकी? बस 3 पॉइंट ऊपर है निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में। देखिए, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही लेके चलेंगे ऊपर में निफ्टी। जैसे मैंने पहले भी शो में कहा था कि 8770 से 8785 का एक रेजिस्टेंस है, अगर एक बार हम क्रॉस करके सस्टेन कर जाते हैं तो वी कैन लुक फॉर द प्रीवियस टॉप, दैट वाज 8968 जहां से बिकवाली देखने को मिली थी। बट आज के सत्र या मंडे के सत्र के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। नीचे का डीपर सपोर्ट जैसे मैंने कहा है आपका 8470 और उसके ऊपर 8530 के आसपास का आता है। रही बात आज के, अगर हम दो तीन पिक्स की अगर हम बात करें तो चार्ट के अनुसार जो अच्छे लग रहे हैं वो एक बर्जर पेंट चार्ट पे अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 222 के आसपास में बंद हुआ है। मेरा मानना यह है कि 218 का स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते 230 के लिए। एक जैन इरीगेशन चार्ट पे अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 97 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना यह है 95-50 का स्टॉप लॉस लेके 100 रुपये के आसपास में आपको भाव एक या दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है सुमित, दो शेयर देखिए। सुमित, अब जो लिस्ट देखे गए थे 10 शेयर्स की, उसमें एक तो सुब्रोज जिसको एक ऑर्डर मिला है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकता है। वैसे भी ये बजट और पोस्ट बजट चलने वाला शेयर है, अभी भी करीब 2.5% इंडिकेटिव में चल रहा है। एक दूसरा है ग्रेविटा, जो कंपनी घाटे से मुनाफे में इस बार लौट सकती है, आज इसके नंबर है, आज इसके नंबर्स आ जाएंगे। इन दोनों शेयर्स को देखिए कैसे आपको ठीक लग रहे हैं क्या? देखिए, पहले सुब्रोज के बारे में बताओ। सुब्रोज ओवरऑल चार्ट में तो बहुत ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मोमेंटम कितना है मालूम नहीं है, पर ये आज ही 200 का लेवल छुएगा ऐसा नहीं लगता है, पर ओवरऑल चार्ट में स्ट्रेंथ है और धीरे धीरे आगे जा सकता है। 200 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म का हो सकता है नेक्स्ट वीक तक ये टारगेट भी मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है। ग्रेविटा इंडिया, ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, जून जुलाई के आसपास एक लो बनाया था और उसके बाद से उभार के ये ट्रेंड भी चेंज किया है, मतलब ये एक अच्छा सा मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शो कर रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि 42-43 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 42-43 के आसपास वो सपोर्ट अगर नहीं टूटेगा तो धीरे धीरे ये स्टॉक 50 का लेवल क्रॉस करेगा। ओवरऑल स्ट्रेंथ चार्ट में है, दोनों चार्ट ही अच्छा लग रहा है। इस बीच चलिए देखते हैं कुछ एक स्टॉक्स जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है आज निफ्टी में। आइडिया फिर से एक बार
इंडिकेटर पिक्स में गेन दिखा रहा है, करीब 1.5% ऊपर है। साथ ही टाटा पावर, BHEL, टेक महिंद्रा, भारतीय इंफ्राटेल, ये काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल सकती है। सुनील, क्विकली आइडिया पर आपका व्यू क्या है? सी, जो डील हो रही है या जो डील के लिए नेगोशिएशन चालू है, अपेरेंटली इट लुक्स कि सेक्टर और कंपनी दोनों के लिए पॉजिटिव है। बट द प्राइस मूवमेंट जो ऑलरेडी आ चुका है विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द डील लुक्स थोड़ा सरप्राइजिंग। आई थिंक वी शुड वेट फॉर द डील टर्म्स कि उसमें किस तरीके से दोनों कंपनियों का मर्जर और शेयर स्वैप आएंगे, और उसके बाद में मुझे लगता है कि इतना प्रीमियम आने के बाद में अब यहाँ पर लेना मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इस बीच टाटा पावर और नेल्को पे भी आपका व्यू चाहिए। ब्रजेश, आप जरा दोनों के चार्ट देखिए, ये कितना ठीक का दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इंडिकेटिव टिक में जो ट्रैजेक्टरी के अंदर चलते हैं एक्चुअली टाटा पावर वैसा ही है, 0.5% ऊपर खुल रहा है और नेल्को करीब 1-1.5% ऊपर खुल रहा है। ये ऐसा ही चलेगा, थोड़ा और बढ़ेंगे? देखिए, टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि एवरी डिप शुड बी यूज फॉर अ बाइंग। जब तक 76 रुपये ब्रेक नहीं करता है तो मौजूदा स्तर या कोई डिप आता है 78-79 के आसपास में तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना ये है कि एक 15 डेज, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिहाज से एक बार आपको 88-90 के लेवल आपको देखने को मिल जाने चाहिए। रही बात नेल्को की, अगर हम बात करते हैं चार्ट के अनुसार तो डेफिनेटली इस सेम एक सिमेस्ट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि ये है कि ऊपर में 88-90 का एक रेजिस्टेंस जोन है। ओवरऑल ट्रेंड चार्ट की स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है, बट टाटा पावर इज मोस्ट ऑन अ बायर साइड एज कम्पेयर टू नेल्को। मेरा मानना यह है नेल्को के लिए कि 79 का सपोर्ट लेके एक बार बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 88।